द्वारकाधीश लोग बनाने की तैयारी है। 34 में 1,00,000 वर्ग फुट जमीन पर द्वारकाधीश लोग बनकर तैयार होगा। बता दें कि पुराना द्वारकाधीश मंदिर 125 साल पुराना है। द्वारकाधीश लोग बनाने के लिए 101 करोड़ रुपए का गुप्तदान किया जा रहा है और इस मंदिर का निर्माण अहमदाबाद की कंपनी करने वाली है। कंपनी ने मंदिर का ड्राइंग तैयार कर लिया, जिसका दिवाली में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि द्वारकाधीश लोक का निर्माण 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये जो मंदिर बनने जा रहा है उज्जैन की तरह से भी बनने जा रहा है। जो उज्जैन में बाबा महाकाल का जो महाकाल लोक बना है, उसी में द्वारकाधीश लोक बनने जा रहा है। और बहुत हर्ष का विषय, बहुत खुशी का विषय है कि ठाकुर जी का विशाल मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे होगा ही। इसमें 1,00,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल है, उसमें तैयार होगा, निर्माण होगा। अहमदाबाद की जो आर्किटेक्ट फर्म है उसके द्वारा तैयार किया जाएगा। जब इसको बनने के बाद में ये जो नजर आएगा, पूरा प्रेम मंदिर जो वृंदावन का है उस तरह से पूरा दिखाई देगा ये। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, अब महाकाल लोक की तर्ज पर द्वारकाधीश बनने जा रहा है और अब किस प्रकार से इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल उज्जैन महालोक की तर्ज पर अब ग्वालियर में भी द्वारकाधीश लोक बनने जा रहा है और ये मध्य प्रदेश का पहला द्वारकाधीश लोक होगा, जिसमें 101 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा। और यह जो पूरा जो काम है, दीपावली से इसका भूमि पूजन होगा और उसके बाद काम चालू हो जाएगा। गुजरात की जो फर्म है वो इस मंदिर को पूरी तरह से तैयार करेगी और इसका ड्राइंग पूरी तरह तैयार हो चुका है। दीपावली से काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा, लगभग 2 साल तक ये काम चलेगा और उसके बाद भव्य द्वारकाधीश जो लोक है वो बनकर तैयार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो 101 करोड़ रुपए की जो लागत का जो इसमें लागत लगनी है वो चंदे की राशि से लगेगी। शहर के जो गणमान्य लोग हैं, जो द्वारकाधीश मंदिर आते हैं, भक्त हैं, वो सब चंदा करके इस पूरे जो मंदिर में जितनी भी राशि खर्च होगी वो लगेगी। यानी एक भव्य जो द्वारकाधीश लोक है वो बनकर तैयार होगा और देश विदेश से यहाँ पर पहले भी जो मंदिर है वहाँ पर लोग आते थे और अब इसके बनने से ग्वालियर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलेगी और जो लोग हैं, भक्त हैं, वो वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। इसको लेकर तो बड़ी सौगात अब मिलने वाली है ग्वालियर को। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए उमेश।